हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रैक। आज है 4 नवंबर 2020। आज हम जितने भी करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। हाल ही में किस दिन को पत्रकार के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है? और इसका ऑप्शन है 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 2 नवंबर। और इसका आंसर होगा 2 नवंबर। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस द ग्लोब ऑन नवंबर 2 बाय द यूनाइटेड नेशंस। पत्रकारों के खिलाफ अपराध के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 2 नवंबर को पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस साल का थीम है प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, प्रोटेक्ट द ट्रूथ, पत्रकारों को रक्षा करके सत्य को रक्षा करना। द डे ऑल्सो एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट ऑल अटैक्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स। इस दिन का उद्देश्य सभी पत्रकार और मीडिया कर्मी के ऊपर हमले के खिलाफ लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना। द डेट नवंबर 2 वाज चूजन टू कॉमेमोरेट द एसिनेशन ऑफ टू फ्रेंच जर्नलिस्ट नेमली घिसेलेन डुपोंट एंड क्लॉडी वालोन इन माली ऑन नवंबर 2, 2013। 2 नवंबर 2013 को माली में 2 फ्रेंच पत्रकारों की बुरी तरह से हत्या कर दी गई थी। उन 2 पत्रकारों का नाम है घिसेलेन डुपोंट और क्लॉडी वालोन, इसलिए 2 नवंबर को चुनी गई है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क विल बी सेट अप। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम। और इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। इन वेस्ट बंगाल कोलकाता विल सून फीचर इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में जल्दी भारत का पहला टायर पार्क का स्थापना की जाएगी। द वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। पश्चिम बंगाल की परिवहन विभाग इस काम के लिए जिम्मेदार होगी। वेयर आर्ट वर्क मेड फ्रॉम स्क्रैप एंड डिफेक्टिव पार्ट्स विल बी ऑन डिस्प्ले, जहाँ स्क्रैप और डिफेक्टिव पार्ट्स से बनी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगी। इट वुड हैव स्मॉल कैफे वेयर पीपल कैन सिट, रिलैक्स एंड एंजॉय द क्राफ्टमैनशिप मेड फ्रॉम टायर्स। इसमें छोटे छोटे कैफे होंगे जिसमें लोग बैठ सकेंगे, आराम कर सकेंगे और टायर से बनी शिल्पकारी का आनंद ले सकेंगे। आज का तीसरा क्वेश्चन है, व्हेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर एंड वर्चुअल कोर्ट नए कुशल इनोग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में भारत का पहला ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट नए कुशल का उद्घाटन कहाँ की गई है? इसका ऑप्शन है कोलकाता, नागपुर, इंदौर और लुधियाना। और इसका आंसर होगा नागपुर। ऑन 31 अक्टूबर 2020 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एवर ई रिसोर्स सेंटर एंड वर्चुअल कोर्ट नेम्ड नए कुशल। 31 अक्टूबर 2020 को भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने भारत का पहला ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट नए कुशल का उद्घाटन किया है। इट वर्क्स फॉर द महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट एट जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नागपुर महाराष्ट्र। ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित नए अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान के तहत काम करती है। नए कुशल विल फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। नए कुशल के माध्यम से कोई भी ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना केस दाखिल कर सकता है। द वर्चुअल कोर्ट विल डील विद ऑल ट्रैफिक चालान केसेस फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ महाराष्ट्र। वर्चुअल कोर्ट महाराष्ट्र के हर कोने से ट्रैफिक चालान के मामले को संभालेंगी। आज का 14th क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली ऑथर्ड ए बुक नेम्ड पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। हाल ही में किसने पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक लिखी है? इसका ऑप्शन है चेतन भगत, रघुराम राजन, तमल बंदोपाध्याय और नानक देव। और इसका आंसर है तमल बंदोपाध्याय। तमल बंदोपाध्याय ऑथर्ड ए न्यू बुक टाइटल्ड पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। तमल बंदोपाध्याय ने एक नई पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। इट प्रोवाइड्स एन इनसाइडर पर्सपेक्टिव इन द फोर्सेस दैट आर रिस्ट्रक्चरिंग द बैंकिंग सिस्टम्स इन इंडिया, एशियाज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। वो उन ताकतों की अंदरूनी सूत्र प्रदान करती है जो भारत में बैंकिंग सिस्टम का पुनर्गठन कर रहा है, जो एशिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। द बुक इज सेट टू रिलीज इन नवंबर 2020 बाई रोली बुक्स। और ये पुस्तक नवंबर 2020 में रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगी। ही रिसीव्ड रामनाथ गोयंका अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म इन 2016 फॉर बैंकर्स ट्रस्ट ए वीकली कॉलम। उनको बैंकर्स ट्रस्ट नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका में उनके उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए उनको 2016 में रामनाथ गोयंका अवार्ड मिला है।
आज का पांचवा क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर एजु थेकन पुरस्कार 2020। हाल ही में किसको एजु थेकन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गई है? इसका ऑप्शन है अयप्पा पानिकर, श्रीदाला स्वामी, पॉल जाकरिया और नानोदीज। और इसका आंसर होगा पॉल जाकरिया। वेटरन मलयालम राइटर पॉल जाकरिया हैज बीन सिलेक्टेड फॉर एजु थेकन पुरस्कार 2020। प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जाकरिया को एजु थेकन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गई है। दिस इज द केरला गवर्नमेंट्स हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर। ये केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ही वाज चूजन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू मलयालम लिटरेचर ड्यूरिंग द पास्ट 5 डिकेड्स। उन्हें मलयालम साहित्य में पिछले 5 दशकों में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। आज का छठा क्वेश्चन है, व्हेयर इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन वॉज लॉन्च्ड। भारत का पहला सौर्य ऊर्जा संचालित लघु रेल कहां शुरू की गई है? इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब और गोवा। और इसके आंसर होगा केरला। इंडियाज फर्स्ट सोलर एनर्जी पावर्ड मिनिएचर ट्रेन वॉज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन और नवंबर 2, 2020। भारत का पहला सौर्य ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन का उद्घाटन केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा 2 नवंबर 2020 को की गई है। इट हैज बीन इनॉग्रेटेड एट द भेली टूरिस्ट विलेज इन केरला। इसका उद्घाटन केरला के भेली टूरिस्ट विलेज में किया गया है। द ट्रेन वॉज पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड अराउंड ₹60 crore वर टेकन अप इन ऑर्डर टू एलिवेट द फैसिलिटीज टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये ट्रेन परियोजना की एक कड़ी का हिस्सा है और ये अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इसमें लगभग ₹60 crore खर्च की गई है। द मिनिएचर रेल इंक्लूड्स ए टनल, स्टेशन एंड ए टिकट ऑफिस। इस लघु रेल में एक सुरंग, स्टेशन और एक टिकट कार्यालय शामिल है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली इन व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वेगन डे। हाल ही में किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया गया है? और इसका ऑप्शन है 22nd अक्टूबर, 25th अक्टूबर, 28th अक्टूबर, November 1st। और इसका आंसर होगा 1st नवंबर। वर्ल्ड वेगन डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 1st नवंबर एवरी ईयर। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। This day is celebrated to spread benefits of veganism for humanism, non-humans animals and the natural environment. इस दिन का उद्देश्य शाकाहार के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना और एक ऐसे मानवतावाद, गैर मानव जानवर और प्रकृति वातावरण को सुधारती है। The term vegan was coined by Donald Watson and derived from the word vegetarian. ये vegan शब्द का नामांकित Donald Watson ने की थी और इस शब्द को vegetarian शब्द से ली गई है। If you like the video, please like, comment, share and subscribe. Dine, thank you.